तो जूम करना कैमरा को, तो दिखा देना ये और ये यहाँ दिखा देना कुआं को लेके। ये गंदा पानी, तो सुनिए, तो आप आपको तो पता है ये गंदे पानी से बीमारी भी होता है, आप क्यों धोते हैं पानी से? फिर कहाँ कर इतना धोवा, तो पानी नहीं मिलेगा, फिर पानी कहाँ से मिले? सब कुछ भी नहीं, मतलब ये ग्राम सभा का जो एक मॉडल है वो भी फेल है, मतलब वो भी कुछ काम नहीं है। ग्राम सभा तो होती है नाम मात्र की होती है, सही बात तो ये है, हम करते हैं, लोगों को बुला बुला के लाते हैं, भैया चलो कोई डिमांड है किसी भी। गांव का आपने बताया इतना कुछ समस्या है गांव का, तो यहाँ का लोग जागरूक है कि नहीं, जानता है लोगों ना कि हमारा अधिकार क्या है, तब क्यों नहीं पता है? पता जानते हैं हम अपनी आवाज, हमारे सरपंच साहब ने भी जैसे बताया, हमारा जो काम है अपने अधिकारों को बताने या अपने रहनुमाओं को बताना, आगे उनकी जिम्मेदारी। एक बात है ना, दिल्ली में जो लोग बैठा होता है ना, जो लोग नियम बनाता है कानून बनाते हैं ना, तो उनको ये मानना है कि जो गांव स्तर में जो पंचायत है जो सरपंच लोग हैं उनको बहुत कुछ अधिकार है, उन लोगों का इश्यूज को लेकर रिप्रेजेंट करता है, असली में ये है क्या कि आप सरपंच हो गए ना, आप खुद ही बोल रहे हैं कि मैं हेल्पलेस हूँ, चाहता कोई करने का बस हो नहीं पाता है, तो क्या आपको क्या लगता है? पंचायत का काम सिर्फ इतना है कि मेंबरों को इकट्ठा करके अपना एक रेजुलेशन दे, ग्राम सभा करके ले, ग्राम सभा करके हम एक रेजुलेशन देते हैं, रेजुलेशन हम वीडियो साहब को वहाँ देते हैं, वीडियो उच्च अधिकारियों को देता है, उसके बाद में वो रेजुलेशन वही। तो मुझे समझ में आपसे बात करके यही कि नीचे से नीचे के बाद ऊपर तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, कहीं ना कहीं बीच बैठक जा रहा है बात से, मतलब और वो जो ऊपर कर तो अधिकारी लोग हम लोग नीचे में जाकर बात नहीं करते, कोई नहीं करता। बदलाव नहीं आया, पहले जो था आज भी वही है, वही है, कोई बदलाव नहीं आया, और खेती बाड़ी सूख रही है, नहर आई ही जब ये भी बंद कर दिया। टीवी मीडिया वाला कभी आता है ऐसा बात करने? मीडिया वाला कोई, चाहे आपके गांव में किसी के गांव में आता है कभी मेवाद में? कोई नहीं आता, कोई बहुत नहीं आता, कम आते हैं, आते हैं तो वो फिर उन्हीं से मिलते हैं, आम जनता से कभी उन्होंने यहाँ आके नहीं करते, इस तरह आके कोई मिलता नहीं, कोई नहीं करता, कोई खराब पानी है पीने के योग्य, पीने फसल के योग्य भी नहीं है, इतना खराब स्थिति, इतना खराब स्थिति ग्राउंड का बोल रहे हैं ना जी, जमीन का है, इतना कड़वा पानी है कि अगर आज क्या स्थिति है इसका, एक कुआ का आज से 10-12 साल पहले इसमें पानी रहता था, इसमें हम नहाते थे, वैसे पीने के लिए पानी भर ले जाते हैं लोग, लोग यहाँ से पानी पी के ले रहे थे, और अभी सब बंद, ये काफी सूखा हुआ है, ये शायद 10 से 15 साल पहले। तो उसने जो बोलता था कि ये जो आपका डिस्ट्रिक्ट है नूह डिस्ट्रिक्ट में, आज क्यों बाहर से पानी लाना पड़ रहा है? बाहर को चाहे तो अभी गवर्नमेंट इंटरलिंक कर सकती, जो आगे की नहर सोहना साइड जो उधर पलवल से अल्टीमेटली ये सब लिंक है गाँव की, गाँव में मुझे हर समय लोग यही बोलते हैं अगर यहाँ अगर इसमें भी पानी आ जाता है तो ये बहुत बेनिफिट। किस तरह से वोट करते हैं, मतलब उनको माइंड में इशू नहीं आता है कि बिकॉज इट इफेक्ट्स देम, इनको इफेक्ट करता है ये इशू, तो लोग जब वोट करते हैं माइंड में नहीं आता है पानी का इशू से वोट करना है या डिमांड करना है सरपंच से, वोट कैसे करते हैं लोग? देखिए दिक्कत ही है ना वोट के साथ, लोगों के इश्यूज होते हैं पानी का, सैनिटेशन का, ये डंपिंग का या इलेक्ट्रिसिटी किसी का भी इश्यूज होते हैं, बट यहाँ क्या हमारे जो वोट होते हैं ना वो फैमिली एल्डर के पीछे चलते हैं, और जो उसके गिरफ्त में आ जाए फिर आप वोट कहीं दे ही नहीं सकते, दिक्कत ये है।